आए आज तक स्वेटर ना पहना पाए उस सर्दियों में, और तुम्हें महलों में रख दिया, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दे दी, सब कुछ दे दिया। क्यों? कारण पता है? क्योंकि वो भाग नहीं सकती 84 के जाल को तोड़ के। तुम भाग सकते हो, तुम भाग सकते हो। अगर तुम्हें ये सारा तामझाम ना देना तो तुम सोचने लग जाओगे मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। अब दे दिया तामझाम, मोबाइल दे दिए, टीवी दे दिए, कारें दे दिया, कौन सी मुक्ति, कैसे मुक्ति? चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, समझे? कौन सी मुक्ति? अरे यार सीरियल में क्या होने वाला है, उसका झगड़ा हो गया था, कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया? यही इसीलिए दिया गया है तुम्हें। पहले DD1 चलता था एक चैनल, फिर स्टेशन पे जैसे ट्रेन आती ना कू, फिर वो लाइनें आ जाती थी 8-10। अब बंदा उसको देख रहा है, यार ये कब हटेगा पर्दा? क्योंकि उस वक्त मूल ज्ञान का प्रचार नहीं था। अब मूल ज्ञान का प्रचार होने वाला था, लोगों को जागृति आने वाली थी। उससे पहले पहले 5,000 चैनल बना दिए उसने कि बेटा एक में बोर हो रहा है चैनल बदल ले, दूसरा ले ले, दूसरे में बोर हो रहा है तीसरा ले ले। लेकिन भगवान की भक्ति मत कर लियो, नहीं तो निकल जाएगा यहाँ से। और ये एक ही मौका मिला है तुम्हें इंसानी चूल्हे का। अगर ये एक मौका तुमने गवा लिया, उसके बाद तुम्हें तुम्हारी ऐसी दुर्गति होने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये किसका षड्यंत्र है? ये अलख निरंजन का षड्यंत्र है। नाम सुना है अलख निरंजन? सबने सुना है ना? कल को फोटो लेने जाना उसकी दुकान पे, जाना कोई धार्मिक किताबों की दुकान है, कोई बड़ी पुरानी दुकान है जो देवी देवताओं के फोटो पोस्टर बना के बेचते हैं, उनको कहना मुझे अलख निरंजन की फोटो चाहिए। तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगी। वो कहेगा यार ये पहला ग्राहक आया है ऐसा, अलग निरंजन की फोटो मांग रहा है, ये कौन है? सुना उसने भी होगा, सुना उसने भी होगा कि अलग निरंजन कुछ होता है, लेकिन क्या है, कौन है, कोई नहीं जानता। ये दुनिया उसी अलग निरंजन की है जहां पल का नहीं पता, कहो बैठे बैठे अभी भूकंप आ जाए और सबकी समाधियां बन जाए यहाँ पे। सुबह तुम स्कूल भेजते हो बच्चा, शाम को आए ना आए, ये अलख निरंजन की मौज है। सुबह जा रहे हो काम पे, 4-5 बेटियां हैं शादी करने वाली, तुम आओ ना आओ, सड़क पे लेट जाओ, चिथड़े उड़ जाएं, ये अलख निरंजन की मौज है कि तुम्हें घर वापस भेजूं कि ना भेजूं। ये अलख निरंजन बहुत खतरनाक है। शंकर जी के हाथों से गणेश जी का कत्ल हो जाता है, गर्दन काट देते हैं। अब उसको जीवित करना है या नहीं करना है, होगा या नहीं होगा, ये अलख निरंजन के हाथ में है। गणेश जी को जीवित किया था कि नहीं? और जब अपनी सती सती माता का, जब पार्वती नहीं सती, जब वो हवन कुंड में छलांग मार के जल गई पूरा, तो उसको 6 महीने लेके घूमते रहे। महामृत्युंजय मंत्र भी पता है, फिर भी उसको जीवित नहीं कर पाए, क्योंकि अलख निरंजन का खेल है ये। वो चाहेगा तो जीवित हो जाएगी, वो चाहेगा तो कोई जीवित कर ही नहीं सकता, सारी उम्र की भक्ति लगा दे। ये अलख निरंजन का खेल है। विष्णु जी को बुला लिया, विष्णु जी आ गए, वो भी जीवित नहीं कर पाए, अलख निरंजन का खेल है ये। फिर क्या किया? चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए उसके, अलख निरंजन का खेल है ये। तो इस अलख निरंजन को अगर सही से समझना है, जानना है, तो हमारे सत्संग सुनना शुरू करो। आपको हर जगह ना अलख निरंजन दिखाई देने लग गया तो नाम बदल देना। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर मेरी शंका नाठी, मैं सर्व निरंजन ठीठा।
ये शंका कबीर साहब को नहीं है, ये हमारी अवस्था बता रहे हैं। वो कहते हैं मैं अलग निरंजन करता था, लेकिन कभी अलग निरंजन को देख ना पाया, लेकिन ऐसा ज्ञान मिल गया मुझे, अब मैं हर जगह अलग निरंजन को ही देखता हूं। अलग निरंजन क्या है? देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। दोनों को निबड़ा कर दिया ना अलग अलग। अब जिसको मैं पहले अपना रूप मानता था कि ये मैं हूं, अब समझ में आया अरे भैया यही अलग निरंजन है, तो मैं क्या हूं? यही समझाने के लिए कबीर साहब आते हैं इस दुनिया में कि बेटा तू क्या है जिसको तू ये अपना रूप मान बैठा है। मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, तू नहीं है लड़का लड़की। लड़का लड़की शरीर है जो तूने धारण कर लिया है। किसी ने लाल कपड़ा धारण कर लिया, किसी ने हरा कपड़ा धारण कर लिया। अब लाल वाला कह रहा है मैं तो लाल हूं, मैं तो लाल हूं। हरा कह रहा है मैं तो हरा हूं। अरे तू नहीं है लाल और तू नहीं है हरा, ये कपड़े हैं। दोनों को उतारने पड़ेंगे। जब अंत समय आएगा तो ये लड़के का शरीर भी यहीं पड़ा होगा और लड़की का शरीर भी यहीं पड़ा होगा, लेकिन जो दोनों में रहता है कौन रहता है? अलग निरंजन जीवात्मा। जो दोनों शरीरों में जीवात्मा रहती है वो दोनों शरीरों को छोड़ के चली जाएगी, यानी दोनों पिंजड़े पड़े रह जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। कहते ना इसके तो तोते उड़ गए, वो तोते यही उड़ते हैं, यही तोते बैठे हैं, और सब तोतों ने एक दिन उड़ जाना है। अब तोता यही ना जान पाया सारी उम्र की मैं तोता था कि पिंजड़ा था। तोता जान ही नहीं पाया क्योंकि पिंजड़े बड़ी वैरायटी वाले हैं। ये देखो सुंदर सुंदर पिंजड़े बैठे हैं, और सुंदर करने के लिए दे लाली लिपस्टिक घिस रहे हैं। ये पिंजड़े सजा रहे हैं हम लोग, पांच तत्व का पिंजड़ा, ये पांच तत्व का पिंजड़ा है। तोता कहाँ है? तोते का किसी को पता नहीं है, और पूरा दिन तोते आपस में बात करते हैं, कैसी है माँ? ठीक हूं बेटा। तोता तोते से बात कर रहा है, लेकिन तोता यह समझ रहा है कि मैं पिंजड़े से बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं। समझ में आ रही मेरी बात? जब तुम सामने देखते हो कि ये मेरी माँ बैठी है, तो ये माँ को नहीं देख रहे हो तुम, माँ तो तोता है जो तुम्हारी बात की जवाब दे रहा है। किसको देख रहे हो तुम? पिंजड़े को। तुमने पिंजड़े को माँ मान लिया, यानी तुमने लोहे के पिंजड़े को तोता मान लिया, और तुम सारा दिन उस पिंजड़े से बातें कर रहे हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि पिंजड़ा नहीं, वो तोता बोल रहा है अंदर से, जो बोलता 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 एक दिन जाएगा, तब तुम जरूर कहोगे मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। कोई खाली तोता देख पिंजड़ा देखेगा, अरे भाई तोता कहाँ गया? अरे तोता तो भैया छोड़ चला गया। वहां ये नहीं कहोगे पिंजड़ा तो भैया मर गया, लेकिन यहां कहोगे मेरी माँ मर गई। माँ मरी नहीं, माँ तोता थी उड़ गई, पिंजड़ा पड़ा रह गया। उस तुम कह रहे हो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ। अरे तुम्हारी माँ मर गई तो छोड़ के कौन गया? छोड़ के कौन गया? तुम्हारी माँ छोड़ के गई। माँ थी कैसी? माँ कैसी थी? तोता कैसे था? पिंजड़े जैसा होगा? पिंजड़े जैसा होता तोता? पिंजड़े जैसा नहीं होता तोता। पिंजड़ा लोहे का है, तोता थोड़ी नहीं लोहे का है। जीव का स्वरूप अलग है, इस पिंजड़े का स्वरूप अलग है। अब तुम्हारा स्वरूप क्या है यही बताने के लिए गुरु धारण किया जाता है। राम 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 जपने के लिए गुरु धारण नहीं किया जाता, वो तो बिना गुरु के पास गए तुम्हें पता है राम राम भगवान का नाम है, घर में बैठ के ले लो। तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम जाओगे किसी कॉलेज में
एडमिशन ले लें कि मुझे खाना बनाना सीखना, जब आता ही है तो बना और खा, जब सिलाई कढ़ाई